और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। पहले इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, आईएसआई के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। टांगे किसकी कांपती हैं, कौम देखेगी। वजीर अपोजिशन के मफादात मुल्की मफादात के ताबिया नहीं रहे। अपोजिशन चाहती है रिलीफ मिले, रिलीफ नहीं मिलेगा। ये चाहते हैं मैं दबाव में आकर इन्हें माफ कर दूं। वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, पहचानना है उस वर्दी को दागदार करने वाले दो या तीन किरदार कौन से हैं। जनरल आसिफ सलीम बाजवा, कौम के नौजवान आपसे ये सवाल कर रहे हैं, आपके पास खरबों की जायदादें कहां से आईं? आसमान से यहां कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़े। हमने वर्दी पर दाग नहीं लगाना, पहचानना है। बहुत खतरनाक बयान एक वफाकी वजीर की तरफ से आता है। इतनी सीरियस एलिगेशंस के बावजूद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो अयाज सादिक की बात करते हैं, वो उसका जवाब देते हैं। तो आपने वफाकी वजीर जो हैं उनके इल्जामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ का बयानिया आईन से हटकर है तो साथ ना देना। अयाज सादिक के दिफा में नून लीग की क्यादत भी